दोस्तों, सरकार की साजिश है, मिली भगत है नागपुर के इशारे पर कि 40,000 मात्र 40,000 रोहिंग्या को हिंदुस्तान से जबरन निकाला जाए। तुलना कीजिए, 10,00,000 बांग्लादेशी आए थे 71 में, तब कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सब लोग मिलजुल के उनको शरण दिए थे। आपको याद है, बुजुर्ग लोगों को तो याद है कि 5 पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ता था हर पोस्टल स्टैंप में, और उसी से चल गई, सारा खर्चा निकल गया। ये 40,000 लोग, माने आप माइक्रोस्कोप के साथ उनका नंबर गिनती कर लो, ना के बराबर। इन पर कितना क्यों ये साजिश निकालने की? साजिश ये है कि मुसलमानों को और जो भी जमहूरी पसंद लोगों को नागपुर के तरफ से इशारा है कि हमारा निज़ाम है, हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। ये संविधान को बदलना चाहते हैं 2019 में। हम लोगों को बार बार चुनौती दे रहे हैं ये नागपुर के निक्कर के लोग, जो अभी आजकल फुल पैंट पहन लिए, लेकिन अकल तो बड़ी नहीं, पैंट तो बढ़ गई। हमको ये लोग इशारा कर रहे हैं कि हम हिंदुत्वों का राज लाएगा, भगवा लहराएंगे, ये कभी नहीं हो सकता है, तिरंगा ही हमारा झंडा रहेगा, भगवा कभी नहीं हो सकता है। 9वीं सदी से रोहिंग्या लोग आज के अराकान स्थित जगह, जो आजकल राखाइन स्टेट बोला जाता है, म्यांमार का पहला बर्मा कहलाता था, वहां पे के निवासी हैं। उनका भाषा चिटगोंगियन, बांग्लादेश बंगाली से काफी फर्क, चिटगोंगियन भाषा के साथ थोड़ा बहुत मिल जुलता है। बंगाली को उसके सामने खड़ा कर दो रोहिंग्या के साथ, तो बंगाली को रोहिंग्या का 20% ज़्यादा भाषा समझ नहीं आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे दिल्ली वाले को ठेठ भोजपुरी मुजफ्फरपुर का सुनवा दे तो किसी को ना समझ आए, तो उसी तरह इतना काफ़ी फर्क है बोल में लिखने में सब कुछ। ये बंगाली नहीं है। म्यांमार का जो ये एक आर्ग्यूमेंट है कि ये बंगाली हैं वापस चले जाए, ये बिल्कुल सरासर झूठ। हाँ, कुछ लोग गए जब अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान भर में राज कर रहे थे, जब बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, कुछ लोग को उनको ले गए थे अंग्रेज वहां पे टी एस्टेट डेवलप करने के लिए, और दूसरा फार्मिंग के पर्पस के लिए और लेबर के पर्पस के लिए, क्योंकि बुद्धिस्ट रखाइन लोग मेहनती लोग नहीं है, मेहनती लोग नहीं है, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि भाई जमीन उपजाऊ है, फेंक दो दो चार सीड और सब कुछ उग जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जमीन बड़ा उपजाऊ है, तो मेहनती थे नहीं, तो ये आँख से लोग ले गए थे वो, लेकिन वो बहुत कम फीसदी थी, ज़्यादातर लोग फीसदी बहुत 9वीं शताब्दी से रहे हैं। आपको याद है कि अराकान में सल्तनत थी, बंगाल सल्तनत के समय अराकान में भी बंगाल की सल्तनत थी, वहाँ के लोग मिलजुल गए अरब के साथ, जो लोग आए थे ट्रेड के लिए, पठान लोग जो बंगाल में बसे थे वहाँ भी चले गए, वहाँ से भी मिलजुल गए, तुर्क लोग जहाँ पे मुगल साम्राज्य के समय पे वहाँ उस तरफ तक गए, वहाँ पे भी वो भी बस गए और मिलजुल गए। तो इनको बंगाली के बांग्लादेश वापस करना बड़ा जुल्म का बिल्कुल नमूना है। आज से नहीं हुआ है इनके ऊपर प्रहार, जैसे कि बताया गया आपको, ये 1947 के पहले भी रखाइन बुद्धिस्ट इनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, और पिछले 15 साल में 3-4 बार, हर 3-4 साल के बाद
खूब प्रहार कर रहे हैं और हाल में ही फिर शुरुआत किया है इन लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस के अनुसार अभी तक 3 लाख लोग अभी आने की कोशिश में हैं इस तरफ, बांग्लादेश की तरफ भगाया जा रहा है ताकि कोई भी नहीं रहे। कुल आबादी 10 लाख की है, 2 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं बांग्लादेश में, 1,60,000 के करीब जंगलों में भटक रहे हैं कि कब देखें नदी को, कब पार करें, नाफ नदी है वहां तो नाफ नदी को कब पार करें और बर्मीस फौज म्यांमार के फौज से बच के पार करें ताकि उनका बम और उनके गोली और उनके अत्याचार से बचें। म्यांमार की फौज अभी लैंड माइन लगवा रही है वहां नदी के किनारे ताकि लोगों के पैर उड़ जाएं, हाथ उड़ जाएं। और हम हिंदुस्तानी चुप्पी साजे हैं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हमारा प्रधानमंत्री मोदी हाल में ही चले गए चीन गए एक दिन के लिए, 5 तारीख को, 5 सितंबर को, 5 सितंबर के शाम को ही आ गए म्यांमार के कैपिटल नाइपिडाव। पहला था रंगून, यांगोन उन्होंने नाम बदल दिया, उनको पसंद नहीं आया, नाइपिडाव नया उन्होंने कैपिटल बनाया, बिल्कुल पूरा कैपिटल नया। पांच तारीख को रहे, 6 तारीख के सुबह दोपहर तक उनकी बातचीत हुई आउंग सान सू की, जो स्टेट काउंसलर है म्यांमार सरकार की। 6 तारीख के दोपहर 2 बजे में ये जो जैसे मोदी करते हैं हर जगह अपना क्या मनोरंजन कार्यक्रम कर दिया हिंदुस्तानी लोगों के साथ, 2 बजे से पता नहीं कितने बजे तक। अगला दिन वो बिल्कुल टूरिस्ट बन गए और चले गए बहादुर शाह जफर के मज़ार थोड़ी देर के लिए, और फिर कोई पगोड़ा जिसमें हिंदुस्तानियों ने कुछ रिपेयर विपेयर किया वो वहाँ पे चले गए और इधर उधर भी घूम लिए। मेरा ये कहने की बात है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई खास उनका सब्सटेंटिव डिस्कशन नहीं हो रहा था। आधे दिन की डिस्कशन सब्सटेंटिव नहीं होती है। 3 दिन बता दिया अखबार में, 3 दिन घूमे, 3 दिन गए टूरिस्ट, सब्सटेंटिव डिस्कशन आधे दिन की रही। क्यों गए? चीन का प्रभाव म्यांमार में हावी है आज से नहीं, बहुत पहले से, जैसे कि हम लोगों का, हिंदुस्तानियों का प्रभाव नेपाल में हावी है, उसी तरह म्यांमार में बहुत सालों से चीन का प्रभाव हावी है। हिंदुस्तान अब कोशिश कर रही है कि चीन के प्रभाव से उनको कम किया जाए, निकाल तो नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान को चीन को म्यांमार को देने के लिए कुछ नहीं है, म्यांमार सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हैसियत से, म्यांमार को हिंदुस्तान को सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हैसियत से काफी कुछ दे सकते हैं। एक कि उल्फा का एक छोटा सा ग्रुप परेश बरुआ के नेतृत्व में अभी तक सरेंडर नहीं किया है, अपने हथियार को नीचे नहीं रखे हैं, वो अभी भी लड़ रहे हैं। वो चीन और बर्मा के बॉर्डर पे 2 स्टेट हैं, कचिन स्टेट और कोकांग एरिया। कोकांग एरिया तो चाइनीज मूल के बर्मीस निवासी रहते हैं, इसी में घूमते हैं वो। म्यांमार की सरकार की भी पकड़ नहीं है वहां। म्यांमार की सरकार की पकड़ केवल सड़कों पे है, सड़क से उतर जाए तो वहां के कोकांग लिबरेशन आर्मी की और कच्चिन इंडिपेंडेंस आर्मी की पकड़ है।
म्यांमार सरकार ने दोनों सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं आर्म्ड ग्रुप्स को बुलाया था डिस्कशन के लिए 2015 के इलेक्शन के बाद आंग सान सू की स्टेट काउंसलर बनी, उसके बाद पान लॉन्ग टू टॉक्स के अंतर्गत। लेकिन जो तीन महत्वपूर्ण ग्रुप्स हैं, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, शान इंडिपेंडेंस आर्मी, कोकांग ग्रुप, अलग दूसरा टांग ग्रुप और एक हिस्सा अराकान बुद्धिस्ट ग्रुप का अराकान आर्मी, म्यांमार सरकार के साथ बात नहीं करना चाहता। म्यांमार की सरकार उनसे परेशान है, हमारा उसमें से उस लड़ाई में हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतना ही है कि हमको फिक्र है कि कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने ट्रेन किया उल्फा को और इसको हम रोकथाम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि म्यांमार आर्मी उसको पकड़ ले और हमको दे दे, जैसे अनूप चेटिया और ये अरविंद राजखोवा दूसरे जो उल्फा लेडी नेता आज भारत के में गुवाहाटी में रहते हैं, उनको जमानत भी दे दी। आजकल वो बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहे हैं दोनों सरकारी पिट्ठू बन के। तो ये है हिंदुस्तान का एक मकसद। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद हिंदुस्तान का ये है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग ग्रुप, दो ग्रुप है नेशनल सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नागालैंड जो हिंदुस्तान के साथ हथियारबंद लड़ाई लड़ रही हैं नागालैंड और मणिपुर के कुछ जगहों पे और दो जिले जो हैं अरुणाचल प्रदेश के तिराप और चांगलांग। एक ग्रुप तो खपलांग ग्रुप है और एक ग्रुप है मुईवा ग्रुप। मुईवा ग्रुप के साथ हम लोगों का सिक्स फायर है, बातचीत चल रही है। आप अगर चले जाएं नागालैंड कोहिमा चले जाएं तो कैंप हेब्रॉन है मुईवा ग्रुप का हेडक्वार्टर, थोड़ा ही दूर है कोहिमा से और ऐसा लगता है कि आपने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक में आ गया। वहाँ पे तो बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, होम मिनिस्ट्री बिल्डिंग पे होम मिनिस्ट्री ऑफ नागालैंड, रिपब्लिक ऑफ नागालैंड। टैक्स वसूल करते हैं वो लोग हिंदुस्तान की आर्मी और फौज और एडमिनिस्ट्रेशन की ठाई ठाई फीस, बड़ा बकते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई कोई भी ट्रक वाला के पूछ लो जो सिलचार से ऊपर वहाँ जाता है कोई भी सामान लेके, उसको बकायदा टैक्स लेते हैं और उससे उसको रसीद प्रिंटेड रसीद भी देते हैं ताकि आगे के चेक पोस्ट में इनका नागा लोगों का दोबारा ना ले वसूल करें टैक्स। एक ही बार 100 गज के दूरी पे आसाम राइफल्स की चौकी है, उनकी हिम्मत नहीं है कि इस टैक्स वसूली को रोकें। बड़े कहते हैं सॉवरेंटी हमारा आया है, ये कर देंगे वो कर देंगे, दिखाओ ना आपने पुरुषार्थ। बोलते हो नागालैंड अभिन्न हिस्सा है तो नागालैंड में इनकी दाल नहीं गली। मुईवा ग्रुप के साथ उनका सीजफायर चल रहा है, टॉक्स चल रही हैं, कहते हैं कि कश्मीर 1953 के साथ जो कश्मीर एग्रीमेंट हुआ था शेख अब्दुल्ला और नेहरू साहब का, उस किस्म का एग्रीमेंट नागालैंड चाहते मुईवा ग्रुप चाहती है जिसमें केवल फॉरेन रिलेशंस, करेंसी एंड कम्युनिकेशंस केंद्रीय सरकार के साथ मरकज के सरकार के साथ रहेगी, बाकी सारे इश्यूज लोकल गवर्नमेंट के साथ रहेगा। बातचीत आगे नहीं बढ़ी हैं, अभी हाल में ही फिर बातचीत दिल्ली में हुई है, कुछ खास नहीं हुआ है। जो मुईवा ग्रुप के जो नागा कबीले के लोग हैं ज़्यादातर वो मणिपुर के तंकुल कबीले नागा के कबीले के लोग हैं, उनके जो मेंबर हैं। लेकिन जो खपलांग ग्रुप के मेंबर हैं वो 100% बराबर या 99% बर्मीस नागा हैं, क्योंकि नागा बटे हैं हिंदुस्तान और बर्मा में। जो नागा निवासी स्थित इलाके हैं, अंग्रेज ने तो
ऐसे ही लकीर खींच दी मैप में, उन्होंने ये थोड़ी देखा कि भाई नागा इस तरफ भी ये हैं उस तरफ है। उसने कहा बर्मा ये है, वो हिंदुस्तान है, लकीर खींच दी जैसे अफ्रीका में कर दी बिना सोचे समझे। अंग्रेज तो बहुत नुकसान किए हर जगह, बहुत लोगों को बांट दिए, हिंदुस्तान में भी उन्होंने उल्टा सीधा किया, हम तो भुक्त भोगी हैं। तो नागा लोगों का यही हुआ। खपलांग ग्रुप नहीं चाहता है हिंदुस्तान के साथ रिश्ता, बर्मी सरकार के साथ उनकी बात चल रही है और काफी बढ़ गई है आगे। अभी बर्मी सरकार नागा स्थित एरिया बर्मा में म्यांमार में वहां पे फौजी को विड्रॉ कर लिया है और उनको तंग नहीं करती है। तो एक तरफ से वहां खपलांग ग्रुप अपना राज चला रहा है, लेकिन पूरा टॉक्स अभी बाकी है। तो हिंदुस्तान इससे डर है, डर इसीलिए है कि दो जिले तिराप और चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को चीन बोलता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं चीन बोलता है उसको, साउथ तिब्बत माने दक्षिणी तिब्बत। चीन कहता है कि यह हमारी जमीन है, ये हमारा रियासत है, आप लोगों ने हड़प लिया अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों ने हड़प लिया, उसको नेफा का नाम दे दिया, फिर बाद में आप लोगों ने बदल दिया। तो चीन कहता कि आज नहीं तो कल हम लेंगे वापस। डोकलाम के बाद अभी जो डोकलाम प्रकरण हुआ है हिंदुस्तान और चीन के बीच में तनाव के बाद, दिल्ली के हुक्मरानों को थोड़ा परेशानी आई कि भाई तिराप और चांगलांग में अगर नागा खपलांग ग्रुप के बर्मीस नागा जिनका प्रभुत्व वहां पे जिनका बोलबाला चलता है, अगर वो चीन से मदद ले लें तो हमको और भी सरदर्द। तो म्यांमार के सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, पहले डायरेक्टर आईबी के आरएन रवि और अजीत दोवल दो चक्कर लगा चुके हैं म्यांमार की, इनके साथ समझौता ना करिए, इनको खदेड़ दीजिए, इनको खत्म करिए ताकि हम लोगों का इलाका बच जाए, इनको खत्म करिए जैसे हमने कब्जा कर रखा है हर जगह पे। हम हिंदुस्तान में लोगों को जो हम के साथ लड़ते हैं, हमारे हुकुमरान हमारे बात नहीं मानते, हमने सिखा लिया उनको, मणिपुर में हो या कश्मीर में हो वैसा रवैया आप भी अपनाएं। म्यांमार तो चाहती है कि भाई उनका एथनिक प्रॉब्लम सेटल हो, हिंदुस्तान के बातों में नहीं आना चाहती है। तो हिंदुस्तान क्या कर रही है, ये दिल्ली के हुक्मरान के अकल इतना मोहताज अकल है, माने अकल की कमी है, बाल्टी बिल्कुल खत्म हो गई जब ऊपर वाला हिंदुस्तान आ गया और सरकार की वो लोगों को अकल देते वक्त बाल्टी खाली ही हो गया। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ये जो रोहिंगा हैं जो बांग्लादेश गए हैं उनमें से 40,000 लोग हिंदुस्तान हैं, हम इनको खदेड़ देंगे वापस, आपको हम आपको मदद कर रहे हैं टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, तो आप मदद करिए नागा एरियाज में, आप मदद करिए उल्फा एरिया में, ये है बातचीत असल में। झूठा, पूरा झूठा, इनमें से कौन कौन टेररिस्ट है, अरे भाई ISIS अंग्रेजी में लिखना या उर्दू में लिखना या फारसी में लिखना या अरबी में लिखना या बंगाली में लिखना या अपनी भाषा रोहिंगा में लिखना इनको आती नहीं है, और उनको कह दिया ISIS अलकादा पता नहीं क्या क्या, उनको लिखनी नहीं आती बेचारे। 99% लोग गरीब भूमिहीन बेकार बंजर जमीन में रह रहे हैं, मछली पकड़ के रह रहे थे, बुद्धिस्ट लैंडलॉर्ड के नीचे नौकरी कर रहे थे, और इनको आप कह रहे हो टेररिस्ट, दिमाग खराब है आप लोगों का, और इनको निकालना चाहते हो पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत, और न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कानून
सात बड़े ऐसे जजमेंट्स हैं जो कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अन्य सवालों पे, जैसे कि श्रीलंकन तमिल सवाल पे, तिब्बती के सवाल पे, भूटानी के सवाल पे, पहले जो 1988 के जो बर्मीज रेफ्यूजीज के सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबरदस्ती किसी रेफ्यूजी को उस देश नहीं भेजा जा सकता है जहां पे उसके ऊपर यातना किया जाएगा या उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, जबरदस्ती नहीं हो सकता है। और इसके विपरीत ये निक्कर वाले जो अभी बैठे हैं यहाँ पे दिल्ली के हुक्मरान और नागपुर के सांठ गांठ के साथ, उन्होंने सोचा अरे भाई ये तो और भी हम हिंदुत्व का तलवार की झलक दिखा देंगे, ताकत दिखा देंगे। अरे भैया ये तो बीजेपी माने बानिया जैनी पार्टी, ये कौन लड़ेंगे, आ जाए आजमा ले, हम तो डरते नहीं। ये लड़ेंगे, इतने बदमाश लोग हैं ये लोग कि सोमवार को उनका हियरिंग होने वाला है रोहिंगा का केस में, उसमें हम लोगों के तरफ से जैसे कि बताया गया फली नानीरमान साहब बहुत बड़े वकील हैं हिंदुस्तान के नामी वकील, गोपाल सुब्रमण्यम जो बहुत ही बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाले थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनका नाम रोक दिया क्योंकि जमहूरी आदमी हैं, इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले हैं, इनके क्या चापलूस नहीं है। तो ये लोग तो चाहते हैं ना वही लोग जो माँ के सर पर ताज हो, हिंदुओं का राज हो गाने वाले, ये नहीं चाहते हैं कोई जमहूरी आदमी, कोई सेक्युलर आदमी नहीं चाहते, तो उसका नाम उन्होंने काट दिया, वो खड़े हो रहे हैं। इंदिरा जयसिंह जो पहले सॉलिसिटर जनरल थे पिछले मनमोहन सिंह के सरकार में, वो खड़े हो रहे हैं, और प्रशांत भूषण जो नामी वकील हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं हम लोगों के तरफ से रोहिंगा के पक्ष में। उनके तरफ से दो दिन पहले ये गोविंदाचार्य, ये दूसरा जो कौन नागपुर का पिट्ठू, उसने पिटीशन भी दायर कर दिया कि इनको तुरंत वापस किया जाए, पता नहीं किसको उन्होंने किया वकील, तो पता लग जाएगा सोमवार को, लेकिन हम बकायदा हमको कोई फर्क नहीं आता, कानून हमारे तरफ है। लेकिन इतने बदमाश हैं ये लोग कि सोमवार को अभी मुझे बताया गया कि 11 बजे ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं निक्कर वाले, आरएसएस बकायदा आरएसएस के नाम से, बकायदा उनके बहुत बड़ा नेता एमजी वैद्य और दूसरा लड़का जो बहुत ही कुक्रम वाला नेता जो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट में उनका हाथ बिल्कुल शामिल है हिंदुत्व टेररिज्म का आदमी, कौन इंद्रवेश, इंद्रेश कुमार, अरे भाई इतने इतना वेश पहनते हैं कि नाम ही नहीं आता, याद रहता मुझे, ये लेके बहुरूपी हैं ये सब, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा असर पड़ जाए। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर कानून देखें, प्रेसिडेंट देखें, पहले के जजमेंट देखें, तो फैसला हमारे तरफ होना चाहिए, तुरंत तो फैसला नहीं होगा लेकिन हम कोशिश करेंगे सोमवार को कम से कम स्टे ऑर्डर मिल जाए, केस चलता रहे, लेकिन जो सरकारी लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं, यहीं पे मदनपुर खुर्द में घूम रहे हैं, जयपुर में हर जगह पे घूम रहे हैं, हैदराबाद में घूम रहे हैं, मेवाट में घूम रहे हैं रोहिंगा लोगों को डराने धमकाने में लगे हुए हैं, ये कम से कम रुक जाए, केस चलता रहे हम देख लेंगे। तो ये है हमारा कोशिश सोमवार के लिए, लेकिन यहां तक सीमित नहीं है लड़ाई, यहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये लोगों का नियत खोट है, खराब है, ये हिंदुत्व ताकतों का, हर जमहूरी पसंद इंसान, हर जमहूरी पसंद हिंदुस्तानी
मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, इनसे डट के मुकाबला करना चाहिए। 2019 के इलेक्शन में इनको वन वे टिकट वापस नागपुर को काट देना चाहिए। हम लोगों को केवल भाषणबाजी नहीं करना चाहिए, हर ब्लॉक लेवल में अपने लोगों से मिलना जुलना करना चाहिए और इलेक्शन में इनकी सफाई करना चाहिए। हमारी बात नहीं पहुंचती है क्योंकि हम लोग घूमते नहीं हैं मोहल्लों में, हम लोग बड़े बड़े तकरीर कर देते हैं और इंटरनेट में, फेसबुक में, व्हाट्सअप में मैसेज कर देते हैं। इसमें दिमाग बदलता नहीं है, लोगों से जाके बातचीत करना होगा। आम हिंदू फिर का प्रश्न नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व में बड़ा फर्क है। ये फर्क ये लोग मिटाना चाहते हैं ताकि सारे हिंदू इनके पीछे पड़ जाएं। नहीं, ये कभी नहीं होगा और नहीं होने देंगे, लेकिन इसमें सब लोगों को साथ मिल के काम करना होगा। रोहिंगा का सवाल बड़ा अहम सवाल है, केवल रोहिंगा का नहीं है, हम लोगों की जमहूरियत की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की और आपकी अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि आज प्रहार करेंगे रोहिंगा पर, कल करेंगे अफगानी शरणार्थी जो दिल्ली में है, परसों पता नहीं क्या करेंगे, किसको करेंगे, आपके ऊपर करेंगे, मेरे ऊपर करेंगे। गौरी लंकेश के को तो मौत पे उतार दिया घाट पे, कालबुर्गी को तो मार ही दिया, दबोलकर को मार ही दिया, पंसारे को ही मार दिया, पर डर नहीं है हमको। हम तो कफन बांध के उतरे हैं इस मैदान में कि हिंदुत्व वाले देख लेंगे। इतना फर्क इतना ही है कि इस बार खाकी चड्डी के साथ खाकी यूनिफॉर्म का वर्दी वाला भी मेल मिलाप कर रहा है सरकार की तरफ से। कुछ लोग सेक्युलर हैं, ये जो गाउन पुरोहित पुरोहित कर्नल पुरोहित, इसको तो जेल रहना चाहिए। फौज के अंदर रह के हिंदुत्व लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, इससे बड़ा देशद्रोह कहां आ सकता है। और हम लोग सब चुप ही बैठे हैं कि बेल हो गई, हम लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन दो, बेल खारिज करवाओ, इसको अंदर करो और दो चार और भी अंदर करवाओ, सब उनके साथ जो मिली भगत में है, कॉन्स्पिरसी में है। सेडिशन लॉ इन्हीं के मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ाया जाएगा, इनके ऊपर नहीं लड़ाया जाएगा। सेडिशन लॉ तो 124A IPC का इनके ऊपर पहला लगना चाहिए। मालेगांव के मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट करके, मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में बॉम्ब ब्लास्ट करके मुसलमानों के ऊपर आपने नाम लगा दी। झूठे लोग, तो समझ लीजिए कि रोहिंगा की लड़ाई सोमवार को खत्म नहीं होगी, ये लंबी लड़ाई है हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए। बांग्लादेश जो एकमात्र दोस्त था हिंदुस्तान का साउथ एशिया में, वो बहुत गुस्सा है हिंदुस्तान के रुझान के प्रति। आज सुबह के ढाका डेली स्टार में मेरा लेख का जिक्र किया है उन्होंने, मैंने दो चार दिन पहले बड़ा लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, इंटरनेट में जाके देख लीजिएगा। आज शाम को लिखा है सिटीजन इंटरनेट पे, वो जो इंटरनेट अखबार है, सीमा मुस्तफा का अखबार है, उस पर लिखा है। कल सुबह राजस्थान के राजस्थान पत्रिका में हमने डिक्टेट किया है एडिटोरियल जो संपादित किया रोहिंगा सवाल पे। हम तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं कि लोगों को बताने के लिए कि भाई इस पे आप खड़े हो जाइए, बुलंद कराइए आवाज़ आपका, क्योंकि ये रोहिंगा का सवाल नहीं आपका है, आपके बिल्कुल अस्तित्व का, हिंदुस्तान के तिरंगा को लहराना का, भगवा को खदेड़ देने का लड़ाई है। चौकस रहिए, हमको और बहुत कुछ बोलना है लेकिन हमारा समय खत्म हो गया है, हमको 40 मिनट बताने के लिए कहा, बहुत कुछ बोला, लेकिन आप इंटरनेट में हमारा लेख लिख लीजिएगा, एक या दो हिंदी में है, BBC के वेबसाइट में हिंदी में हमने लिखा है, हिंदी सर्विस में, लेकिन अन्य जगह
अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी हमारा बहुत खास नहीं है, किसी ने अच्छे सज्जन ने यहीं के जामिया के आसपास रहने वाले ने तर्जुमा किया है, बहुत बढ़िया तर्जुमा किया है। तो लेकिन लड़ाई क्या एक ये पहला कदम है। हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा जितना लड़ाई करना चाहिए जब नजीब गायब हो गया, जब पहलू खान को की हत्या हो गई, जब जुनैद के ऊपर हत्या हो गई, हम लोग पता नहीं क्या चुप्पी साझे हुए। अंग्रेजी में कहावत है बर्क का, बहुत बड़ा अंग्रेज फिलोसोफर था अंग्रेज 250 साल पुराने बर्क, उन्होंने कहा अंग्रेजी में, ऑल इट टेक्स फॉर द विक्ट्री ऑफ ईवल, ऑल इट टेक्स फॉर द विक्ट्री ऑफ ईवल इज फॉर गुड पीपल टू डू नथिंग। माने शैतानों की जीत तभी होती है जब अच्छे लोग चुप्पी साधते हैं। ये चुप्पी बंद करो, आवाज बुलंद करो, जहां जहां हो कहीं पे भी हो, इन लोगों को वन वे टिकट नागपुर का काटने का मकसद रख के काम करो। शुक्रिया, थैंक यू।